और इस वक्त की बड़ी खबर एक और आपको बता दें, संसद के सुरक्षा में सेंधमारी को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ। जी न्यूज के पास आरोपियों के खिलाफ एफआईआर की कॉपी है, जिसमें आरोपियों के खिलाफ एफआईआर में जानकारी दी गई है कि दाएं पैर के जूते का सोल कटा हुआ था। जूतों में स्मोक कैन के अलावा कुछ पर्चे भी थे, जूतों में ही स्मोक कैन लेकर आए थे आरोपी। जी न्यूज के पास इस एफआईआर की कॉपी है। हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से जूते के अंदर अलग से जगह बनाई गई थी स्मोक कैन रखने के लिए, और जो एफआईआर जिसमें ये बातें कही गई थी उसकी कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं। इसी एफआईआर में ये तमाम बातें लिखी हुई हैं। 13 दिसंबर को संसद में सेंधमारी के आरोपियों पर लगातार सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि सागर शर्मा संसद के बाहर खुद को जलाने की योजना बना चुका था। आरोपी सागर ने जलने से बचने के लिए एक जेल भी खरीदने की कोशिश की थी ताकि उसके त्वचा को नुकसान ना पहुंचे, लेकिन ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो पाया और इसी वजह से खुद को जलाने का जो प्लान था वो कैंसिल हो गया। आरोपी ने बताया कि जेल को खुद पर लगाकर वो आग जल लगाना चाहता था ताकि सनसनी फैले और उसे लेकिन कोई ज्यादा नुकसान ना हो। इस बीच पुलिस ने आरोपियों के जले हुए फोन भी बरामद कर लिए हैं, जिन्हें ललित ने आग के हवाले किया था, और अब इन फोन्स को एफएसएल जांच के लिए भेजा जा रहा है ताकि इसमें छिपे राज बेपर्दा किए जा सके। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आरोपियों के जले फोन बरामद किए जा चुके हैं, इनसे अहम राज पता चलने की उम्मीद है। खुद को जलाने की प्लानिंग सागर शर्मा ने की थी, और तीसरी बड़ी खबर, खास ऐप के जरिए बातचीत करते थे और 7 स्मोक क्रैकर लेकर पहुंचे थे। तो संसद कांड पर 5 बड़े खुलासे हम आपको बता देते हैं कि आखिरकार इन आरोपियों ने क्या क्या प्लानिंग की थी। गूगल सर्च किया था और संसद का एरिया सर्च किया था, आसपास के इलाके की पूरी रेकी की थी। वहीं संसद की सुरक्षा के पुराने वीडियो भी लगातार वे देखते रहे थे ताकि उसमें खामी का पता लगाया जा सके। संसद की सुरक्षा के पुराने वीडियो के देखने के साथ साथ सागर ने आत्मदाह की योजना बनाई थी। कोशिश ये थी कि सनसनी फैलाने के लिए खुद को आग के हवाले किया जाए। 7 स्मोक कैन लेकर आरोपी यहां पहुंचे थे संसद के अंदर और संसद के बाहर, और वहां से 2 कैन लेकर के वो अंदर घुसने में कामयाब रहे थे। और इस बीच पुलिस ने जले हुए जो मोबाइल फोन्स थे जिन्हें ललित ने आग के हवाले किया था उन्हें बरामद कर लिया है। प्रमोद शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रमोद, आरोपियों को बाहर लेकर जाने की तैयारी है, क्या वजह निकल कर आ रही है इसके पीछे? देखिए, 5 आरोपी जो है 7 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड पर है, और ललित झा जो कि मास्टरमाइंड है और उसके समेत बाकी उसके साथियों को लेकर स्पेशल सेल की टीम दिल्ली से बाहर गई है, क्योंकि सबके ठिकाने जो है वो दिल्ली से बाहर है। गुरुग्राम में इनकी मीटिंग होती थी, उसके अलावा जो है लगातार जो जहाँ का रहने वाला है, जैसे सागर शर्मा लखनऊ का है, उसने जहाँ से जो कलर स्मोक क्रैकर है वो खरीदे थे, और साथ में इनके कई ऐसे जो बयानों में जगहों के बारे में जिक्र आया था, तो उनको एस्टेब्लिश करने के लिए स्पेशल सेल की टीम जो है उनको लेकर गई हुई है और उनसे वहाँ पे जांच की जाएगी। वहीं जो नीलम आरोपी है उसको थोड़ी देर पहले स्पेशल सेल के दफ्तर, जो काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट का दफ्तर है मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं, वहाँ पर लेके आया गया है, और ये उम्मीद जताई जा रही है कि आज नीलम को लेकर स्पेशल सेल की एक टीम जो है वो हरियाणा के जिंद भी जा सकती है, जहाँ पर वो आगे की तफ्तीश करेगी। नीलम किन किन लोगों के साथ संपर्क में थी और जितने लोग इनके जो भगत सिंह फैन का जो पेज था उससे जुड़े हुए थे, लगातार जो है वो चैट कर रहे थे, उनको लेकर भी जो है उनसे भी संपर्क साधने की जो तैयारी जो है स्पेशल सेल कर रही है। और साथ में पिछले 15 दिनों में जिन जिन लोगों से इन्होंने फ़ोन पे बात की है, जिन 50 नंबरों को स्पेशल सेल ने निकाला है, उनसे भी संपर्क किया जा रहा है, उनसे भी जांच की जा रही है, और एक पूरी बड़ी कॉन्स्पिरेसी इस पूरे मामले में हो सकती है उसको लेकर जांच की जा रही है कि कौन इनके पीछे था, किसने इनको रेडिकलाइज किया था। हालाँकि अभी तक की जाँच में ये साफ हुआ है कि ये सेल्फ रेडिकलाइज थे और अपनी जो क्रांतिकारी विचारधारा को पूरे देश में फैलाने के चलते जो है ये फेमस होना चाहते थे, इसीलिए इन्होंने पूरी प्लानिंग की थी। बाकायदा रेकी की गई थी और 13 दिसंबर का दिन ही तय किया गया था कि 13 दिसंबर को लेके जाना है। 7 जो है वो कलर फायर क्रैकर जो है वो स्मोक क्रैकर खरीदे गए थे, और लेकिन 7 क्योंकि वो उनकी जो जूते की कैविटी बनाई हुई थी उसमें 7 नहीं आ सकते थे, इसीलिए 2 जो कलर स्मोक क्रैकर है वो लेकर वो अंदर गए थे और बाकी नीलम और अमोल को दे दिए थे, ताकि एक ही वक्त पे करीब 1 और 1 बजे के आसपास जो है
ये समय निर्धारित किया गया था कि एक साथ ही बाहर और अंदर जो है वो इनको जलाना है और साथ में नारेबाजी करनी है, और कहीं काफ़ी हद तक ये लोग अपने जो प्लानिंग थी उसमें कामयाब हुए और ये दिखाया कि संसद में की जो सुरक्षा है वो कितनी मतलब सुरक्षित नहीं है, और इसका फ़ायदा कोई भी उठा सकता था। जिस तरीके से ना तीन लेयर की सुरक्षा को बिल्कुल ये घात बताते हुए अंदर चले गए थे, और वहाँ पर इन्होंने जो दर्शक दीर्घा थी वहाँ से कूदने के बाद ये किया, उस तो ये एक तरीके से बहुत बड़ा सुरक्षा मैं चूक है। और वहीं ये दिल्ली पुलिस की भी एक बहुत बड़ी एक तरीके से लापरवाही सामने आई है कि सोशल मीडिया पर वो लगातार एक दूसरे से संपर्क कर रहे हैं, इस तरीके के जो है चैट्स हो रही है, और जो काउंटर इंटेलिजेंट यूनिट है और साथ में जो सुरक्षा एजेंसी है जो आमतौर पर जितनी भी जो इस तरीके की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पर नज़र रखती है, तो उनकी नज़र भी इनके ऊपर नहीं गई। और ये जो अपने मकसद इन्होंने तय किया था कि इनको 13 तारीख को संसद भवन के अंदर जाकर जो है ये इस तरीके की वारदात को अंजाम देना है, उसमें ये पूरी तरीके से कामयाब हुए हैं। अब दिल्ली पुलिस इनको गिरफ्तार करने के बाद पूरे सीन का रिक्रिएट करेगी, और इससे जुड़े हुए हो सकता है कि सांसद से भी पूछताछ की जाएगी, जो लोकसभा स्पीकर है उनसे परमिशन मांगी जाएगी ताकि जो पूरा सीन रिक्रिएट करने के लिए उन्हें परमिशन दी जाए, और वो आरोपियों को लेकर जो सीन है संसद का पर जो इस तरह से घुसपैठ की गई वो सीन रिक्रिएट भी किया जा सकता है। और इन पूरी साजिश के तार अलग अलग राज्यों तक फैले हुए हैं। दिल्ली में संसद की सुरक्षा में सेंध लगाई गई। दरभंगा का मूल निवासी ललित झा, जो कि कोलकाता में टीचर की नौकरी करता था, कोचिंग करता था, और वो फिर दिल्ली से भाग करके राजस्थान पहुंचा। राजस्थान के नागौर में उसने फोन जलाकर सबूत मिटाए, फिर वापस दिल्ली लौट आया। सरेंडर के बाद उसकी गिरफ्तारी हुई, और वही मास्टरमाइंड माना जा रहा है। और जिस तरह से फोन बरामद किए गए हैं, हालांकि जली हुई हालत में फोन मिले हैं, लेकिन फिर भी एफएसएल की टीम सबूत तलाशने की कोशिश कर रही है और उन फोन्स की जांच करेगी, क्योंकि उन फोन्स में काफी सारे राज छिपे हुए हो सकते हैं। Z News.